हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का टॉपिक है कॉन्टैक्ट नंबर सेव कैसे करें। फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो का फ़ोन है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, आपको ओपन करना है डायल पैड। डायल पैड में आपको ऐसा इंटरफेस देखने में मिलता है। आपको जाना है कॉन्टैक्ट्स पर, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर। इसके बाद आपको नाम डालेंगे जिसका भी आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको ऐड फॉर इन्फो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको और भी इंफॉर्मेशन खुल जाती है। यहाँ से आपको और कुछ डालना है डाल सकते हैं, जैसे कि आपकी फ्रेंड का बर्थडे कब आता है, या किसी का भी आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर रहे हैं उसका बर्थडे कब आता है। फ्रेंड हो गई, मौसी हो गई, आपकी कोई भी, उनका बर्थडे कब आता है ये भी डाल सकते हैं। उनका एड्रेस भी डाल सकते हैं आप, जो आपको इंफॉर्मेशन डालनी है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। टैग फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप फ़ोटो खींच सकते हैं। सेलेक्ट आप फ़ोटो पे क्लिक कर सकते करेंगे तो यहाँ पे आपने जिस जो फ़ोटो खींची है वो फ़ोटो ले सकते हैं। तो मेरे को भी फ़ोटो नहीं लेनी है, यहाँ से बैक कर दूँगी और सेव कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये सेव हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं सेव कर लिया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना आ गया होगा। जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया था वो देख लेते हैं कहाँ है। ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं सेव किया था, देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।